प्रियंका और कृष्णा प्यार करते थे। दोनों का प्यार दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। कृष्णा तिवारी की उम्र जहां 25 वर्ष थी, वहीं प्रियंका श्रीवास 21 साल की थी। दोनों अक्सर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की सड़कों पर एक दूसरे का हाथ थामे घूमते हुए दिख जाते। कृष्णा उसे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर भी घुमाता था। दोनों का प्रेम परवान चढ़ रहा था। कृष्णा तिवारी और प्रियंका श्रीवास की जात अलग अलग था, जिसके कारण प्रियंका श्रीवास शादी नहीं करना चाहता था। इसी गुस्से में कृष्णा तिवारी ने बेरहमी से प्रियंका श्रीवास की हत्या कर दी। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी। प्रियंका श्रीवास केस, बिलासपुर शहर की कहानी। कृष्णा तिवारी मूल रूप से कोनी बिलासपुर का रहने वाला था और प्रियंका पास के ही बिल्हा शहर के मुढ़ीपार गांव की थी। वह बिलासपुर में अपने मौसा जोगीराम के यहाँ रहकर बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन कृष्णा ने शहर के विवेकानंद गार्डन में घूमते घूमते प्रियंका से कहा, प्रियंका आज मैं तुमसे एक बहुत खास बात कहने जा रहा हूँ, जिसका शायद तुम्हें बहुत समय से इंतजार होगा। क्या? प्रियंका ने स्वाभाविक रूप से कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कृष्णा बोला। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें या फिर घर परिवार से कहीं दूर भाग चलें। नहीं, मैं भाग कर शादी नहीं कर सकती, वैसे भी अभी मैं पढ़ रही हूँ। शादी होगी तो मेरे माता पिता की सहमति से ही होगी। तब तो प्यार भी तुम्हें मम्मी पापा की आज्ञा लेकर करना चाहिए था, कृष्णा ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा। देखो, प्यार और शादी में बहुत बड़ा फर्क है। तुम मुझे अच्छे लगे तो तुमसे दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया, प्रियंका ने सफाई दी। अच्छा, ये तो बड़ी कृपा की आपने हुजूर, कृष्णा ने कहा। अब कुछ और कृपा बरसाओ, मेरी यह इच्छा भी पूरी करो। देखो कृष्णा, तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वह बड़े ही गुस्से वाले हैं। मैं माँ को तो मना लूंगी, मगर पापा के सामने तो बोल तक नहीं सकती। वो तो अरे बाप रे, कहते कहते प्रियंका की आंखें फैल गईं और चेहरा सुर्ख हो उठा। प्रियंका, तुम कहो तो मैं पापा से बात करूं या फिर उनके पास अपने पापा को भेज दूं। मुझे यकीन है कि हमारे खानदान रुतबे को देखकर तुम्हारे पापा जरूर हाँ कह देंगे। बस तुम मर जाना, कृष्णा ने समझाया। देखो कृष्णा, हमारे घर के हालात माहौल बिल्कुल अलग हैं। मैं किसी भी हाल में पापा से बहस या सामना नहीं कर सकती। तुम अपने पापा को भेज दो, हो सकता है बात बन जाए, प्रियंका बोली। और अगर नहीं बनी तो, कृष्णा ने गंभीर होते हुए कहा। नहीं बनी तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, प्रियंका ने जवाब दिया। एक दिन कृष्णा तिवारी के पिता लक्ष्मी प्रसाद तिवारी प्रियंका श्रीवास के पिता नारद श्रीवास से मिलने उनके घर पहुंच गए। नारद श्रीवास का एक बेटा और दो बेटियां थीं। वह किराने की एक दुकान चलाते थे। लक्ष्मी प्रसाद ने विनम्रता पूर्वक अपना परिचय देते हुए कहा, भाई साहब, मैं आपसे मिलने बिलासपुर से आया हूँ, आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहता हूँ। नारद श्रीवास ने उन्हें सम्मान से घर में बिठाया और खुद सामने बैठ गए। लक्ष्मी प्रसाद तिवारी हाथ जोड़कर बोले, मैं आपके यहाँ आपकी बड़ी बेटी प्रियंका का अपने बेटे कृष्णा के लिए हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर नारद श्रीवास आश्चर्यचकित होकर लक्ष्मी प्रसाद की ओर ताकते रह गए। उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। तब लक्ष्मी प्रसाद बोले, भाई साहब, मेरे बेटे कृष्णा को आपकी बिटिया पसंद है। हालांकि हम लोग जाति से ब्राह्मण हैं, मगर बेटे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आपके पास चले आए, आशा है आप इनकार नहीं करेंगे। ये सुनकर नारद श्रीवास के चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्होंने लक्ष्मी प्रसाद से कहा, देखो तिवारी जी, आप मेरे घर आए हैं, ठीक है, मगर मैं अपनी बिटिया का हाथ किसी गैर जातीय लड़के को नहीं दे सकता। मगर भाई साहब, अब समय बदल गया है, मेरा आग्रह है कि आप घर में चर्चा कर लें, बच्चों की खुशी को देखते हुए अगर आप हाँ कर देंगे तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, लक्ष्मी प्रसाद ने सलाह दी। देखिए पंडित जी, मैं समाज के बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता, फिर प्रियंका के लिए मेरे पास एक रिश्ता आ चुका है, वे लोग प्रियंका को पसंद कर चुके हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जा सकते हैं, नारद श्रीवास ने विनम्रता से कहा। तो लक्ष्मी प्रसाद तिवारी अपने घर लौट गए। घर लौटकर उन्होंने जब बात न बनने की जानकारी दी तो कृष्णा को गहरा धक्का लगा। अगले दिन कृष्णा ने अपनी बुलेट निकाली और नारद श्रीवास की दुकान पर पहुंच गया। उस समय नारद ग्राहकों को सामान दे रहे थे। दुकान के बाहर खड़ा कृष्णा नारद श्रीवास को घूर घूर कर देख रहा था। जब वह ग्राहकों से फारिग हुए तो उन्होंने कृष्णा की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हाँ क्या चाहिए? कृष्णा ने उनसे बिना किसी डर के अपना परिचय देते हुए कहा, कल मेरे पापा आपके पास आए थे।
ये सुनते ही नारद श्रीवास के दिलो दिमाग में बीते कल का सारा वाक्या साकार हो उठा, जिसे लगभग वह भुला चुके थे। उन्होंने कहा, हाँ तो? कृष्णा तिवारी ने कहा, आपने मना कर दिया। मैं इसलिए आया हूँ कि एक बार आपसे मिलकर अपनी बात कहूँ। देखो, तुम चले जाओ, मैंने तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता दिया है और इस बारे में अब मैं कोई बात नहीं करूँगा। कृष्णा ने अपनी आंखें घुमाते हुए अधिकार पूर्वक कहा, आपसे कह रहा हूँ, आप मान जाए नहीं तो एक दिन आप खून के आंसू रोएंगे। तो क्या तुम मुझे धमकाने आए हो? नारद श्रीवास का पारा चढ़ गया। धमकाने भी और चेतावनी देने भी? आप नहीं मानोगे तो अंजाम बुरा होगा। कहने के बाद कृष्णा तिवारी बुलेट से घर वापस लौट गया। नारद श्रीवास कृष्णा के तेवर देखकर अवाक रह गए। उन्होंने सोचा कि यह लड़का एक नंबर का बदमाश जान पड़ता है। मैंने अच्छा किया कि इसके पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने उसी दिन अपने साढ़ू भाई जोगीराम श्रीवास को फोन करके सारी बात बता दी। उन्होंने उनसे प्रियंका पर विशेष नजर रखने की बात कही, क्योंकि प्रियंका उन्हीं के घर रहकर पढ़ रही थी। नारद की बातें सुनकर जोगीराम ने उनसे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खुद प्रियंका से बात करके देखता हूं और आप लोग भी बात करो। इसके अलावा आप धमकी देने वाले कृष्णा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो, नहीं पुलिस में जाने से हमारी ही बदनामी होगी। मैं अब जल्द ही प्रियंका की सगाई शादी की बात फाइनल करता हूं। नारद बोले, 21 अगस्त 2019 कृष्णा ने प्रियंका को सुबह सुबह लवली मॉर्निंग का व्हाट्सएप मैसेज भेजा और लिखा, प्रियंका हो सके तो मुझसे मिलो, कुछ जरूरी बातें करनी है। जाने क्यों रात भर तुम्हारी याद आती रही, इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ सकी। प्रियंका ने मैसेज का प्रत्युत्तर हमेशा की तरह दिया, ठीक है, ओके। प्रियंका रोजाना की तरह उस दिन भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगी तो मौसा और मौसी ने उसे बताया कि वह घर परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखे। कृष्णा से मिल मुलाकात उसके पापा को पसंद नहीं है। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि कृष्णा ने मुनिपार पहुंचकर धमकी तक दे डाली है। यह अच्छी बात नहीं है, अगर इसमें तुम्हारी शह न होती तो क्या उसकी इतनी हिम्मत हो पाती? मौसी की बातें सुनकर प्रियंका मुस्कराए। वह जल्दी जल्दी चाय पीते हुए बोली, मौसी आप जरा भी चिंता मत करना, मैं घर परिवार की नाक नहीं कटने दूंगी। जब पापा मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्होंने मुझे पढ़ने भेजा है, मेरी हर बात मानते हैं, तो मैं भला उनकी इच्छा के बगैर कोई कदम कैसे उठाऊंगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए। मौसी सीमा ने उसे बताया कि जल्द ही उसकी सगाई एक इंजीनियर लड़के से होने वाली है, इसलिए वह कृष्णा से दूर ही रहे। हस्ती बतियाती प्रियंका रोज की तरह सीपत रोड स्थित शबरी माता नवीन महाविद्यालय की ओर चली गई। वह बीए अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में पढ़ाई के बाद प्रियंका क्लास से बाहर आई तो कृष्णा का फोन आ गया। दोनों में बातचीत हुई तो प्रियंका ने कहा, मैं कॉलेज से निकल रही हूँ और थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। प्रियंका राजस्व कॉलोनी स्थित कृष्णा के किराए के मकान में जाती रहती थी। वह मकान बॉयज हॉस्टल जैसा था। कृष्णा और प्रियंका वहां बैठकर अपने दुख दर्द बांटा करते थे। प्रियंका ने उससे वहां पहुंचने की बात कही तो कृष्णा खुश हो गया। कृष्णा घर का बिगड़ल लड़का था। आवारागर्दी और घर परिवार से बेहतर संबंध नहीं होने के कारण पिता ने एक तरह से उसे घर से निकाल दिया था। कृष्णा किराए का मकान लेकर रहता था। उस मकान में पढ़ाई करने वाले और भी लड़के रहते थे। उसके पास एक बुलेट थी। अपने खर्चे पूरे करने के लिए वह पार्ट टाइम कार वॉशिंग का काम करता था। काफी समय बाद भी प्रियंका कृष्णा के कमरे पर नहीं पहुंची तो वह परेशान हो गया। वह झल्ला कर कमरे से निकला और प्रियंका को फोन किया। प्रियंका ने उसे बताया कि वह अपनी फ्रेंड के साथ है और उसके पास पहुंचने में कुछ समय लगेगा। कृष्णा उससे मिलने के लिए उतावला था। काफी देर बाद भी जब वह नहीं पहुंची तो उसने प्रियंका को फिर फोन किया। प्रियंका बोली, आ रही हूँ यार, मैं अशोक नगर पहुंच चुकी हूँ। इस पर कृष्णा ने झल्ला कर कहा, मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम रुको, मैं पास में ही हूँ। कृष्णा थोड़ी ही देर में अशोक नगर जा पहुंचा। प्रियंका वहां दो सहेलियों के साथ खड़ी थी। प्रियंका की बातों से कृष्णा को लगा कि आज उसका रंग कुछ बदला बदला सा है, मगर उसने धैर्य से काम लिया। प्रियंका को देख वह स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए बोला, प्रियंका तुम मुझे मार डालोगी क्या? तुमसे मिलने के लिए सुबह से बेताब हूँ और तुम कह रही हो कि आ रही हूँ, तो क्या कॉलेज भी न जाऊँ, पढ़ाई छोड़ दूँ, जिसके लिए मैं गांव से यहाँ आई हूँ? प्रियंका ने तल्ख स्वर में कहा, मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, मगर कॉलेज से सीधे आना था। 2 घंटे हो गए तुम्हारा इंतजार करते हुए।
कम से कम मेरी हालत पर तो तरस खाना चाहिए तुम्हें, और तुम्हें मेरे घर जाकर हंगामा करना चाहिए। पापा से क्या कहा है तुमने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, प्रियंका ने रोष भरे स्वर में कहा। प्रियंका को गुस्से में देखकर कृष्णा को भी गुस्सा आ गया। दोनों की अशोक नगर चौक पर ही नोकझोंक होने लगी, जिससे वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया। तभी एक स्थानीय नेता प्रशांत तिवारी, जो कृष्णा और प्रियंका से वाकिफ थे, वहां पहुंचे और उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। कृष्णा प्रियंका को ले आया अपने कमरे पर। दोनों शांत हो गए। कृष्णा ने प्रियंका को बुलेट पर बिठाया और अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में दोनों ही सामान्य रहे। अपने कमरे पर पहुंचकर कृष्णा ने कहा, प्रियंका अब दिमाग शांत करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। ये सुनकर प्रियंका मुस्कराई, यार मुझे भूख लग रही है और तुम बस चाय बना रहे हो। इसके बाद कृष्णा पास के एक होटल से नाश्ता ले आया। दोनों प्रेम भाव से बातचीत करते करते कब फिर से तनाव में आ गए, पता ही नहीं चला। कृष्णा ने कहा, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं, आज मुझे साफ साफ बता दो। प्रियंका ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं, मैं शादी घर वालों की मर्जी से ही करूंगी। दोनों में बहस होने लगी। उसी दौरान बात बढ़ने पर कृष्णा ने चाकू निकाला और प्रियंका पर कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। खून से लथपथ प्रियंका को मरने के लिए छोड़कर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। घायल प्रियंका चिल्लाती रही और वहीं बेहोश हो गई। हॉस्टल के राकेश वर्मा नाम के एक लड़के ने प्रियंका के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह कमरे में आ गया। उसने गंभीर रूप से घायल प्रियंका को बिस्तर पर पड़े देखा तो तुरंत स्थानीय सरकंडा थाने में फोन करके ये जानकारी थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता को दे दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता कुछ पुलिसकर्मियों को साथ लेकर राजस्व कॉलोनी के हॉस्टल पहुंच गए। उन्होंने कमरे के बिस्तर पर खून से लथपथ एक युवती देखी, जिसकी मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी ने ये जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी। एडिशनल एसपी ओपी शर्मा एवं एसपी सिटी विश्वदीपक त्रिपाठी भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना करने के बाद उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजने के आदेश दिए। अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ने प्रियंका की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हॉस्टल के लड़कों से पता चला कि जिस कमरे में प्रियंका की हत्या हुई थी वह कृष्णा का है। प्रियंका के फोन से पुलिस को उसकी मौसी व पिता के फोन नंबर मिल गए थे, लिहाजा पुलिस ने फोन करके उन्हें अस्पताल में बुला लिया। प्रियंका के मौसा मौसी और माता पिता ने अस्पताल पहुंचकर लाश की शिनाख्त प्रियंका के रूप में कर दी। उन्होंने हत्या का आरोप बिलासपुर निवासी कृष्णा पर लगाया। पुलिस ने कृष्णा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी। उसका मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ था। पुलिस को पता चला कि वह रायपुर से नागपुर भाग गया है। थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता व महिला एसआई गायत्री सिंह की टीम आरोपी को संभावित स्थानों पर तलाशने लगी। पुलिस ने कृष्णा के फोटो नजदीकी जिलों के सभी थानों में भी भेज दिए थे। सरकंडा से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित मुंगेली जिले के थाना सरगांव के एक सिपाही को 23 अगस्त 2019 को कृष्णा तिवारी सरगांव चौक पर दिख गया। उस सिपाही का गांव आरोपी कृष्णा तिवारी के गांव के नजदीक ही था, इसलिए सिपाही को ये जानकारी थी कि कृष्णा मर्डर का आरोपी है और पुलिस से छिपा घूम रहा है। लिहाजा वह सिपाही कृष्णा तिवारी को हिरासत में लेकर थाना सरगांव ले आया। सरगांव पुलिस ने कृष्णा तिवारी को गिरफ्तार करने की जानकारी सरकंडा के थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता को दे दी। उसी शाम सरकंडा थाना प्रभारी कृष्णा तिवारी को सरगांव से सरकंडा ले आए। उससे पूछताछ की गई तो उसने प्रियंका की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद किया, जो 3 टुकड़ों में था। कृष्णा ने बताया कि हत्या करने के बाद वह बुलेट से सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ गया। उस समय उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। उसके पास पैसे भी नहीं थे। स्टेशन के पास अनुराग मानिकपुरी नाम के दोस्त से उसने 500 रुपये उधार लिए और रायपुर की तरफ निकल गया। कृष्णा तिवारी से पूछताछ कर पुलिस ने उसे 24 अगस्त 2019 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।